आज हम लोग देखने वाले हैं औसत के कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया है इस प्रकार, 4a + 4b = 96, और पूछा है ए बी का औसत बताओ। तो सॉल्यूशन करेंगे 4a + 4b = 96। यहाँ से जो है 4 कॉमन ले लिए, a + b = 96। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। ये देखिए यहाँ से क्या है, औसत पूछा है तो औसत बराबर ए और बी का योग बटे, ए बी कितनी संख्या है, दो संख्या, तो 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 12। 12 जो हमारा है ए और बी का औसत है। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है, 3 संख्याएं ए बी सी हैं जिसका औसत 3y दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो बताइए ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो हमें तीनों संख्या का औसत दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3y। अब हम लोग देखो इसका मतलब, इसका औसत निकालना है तो ये तीनों संख्या का पहले योग निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। अब देखिए यहाँ से ये जो टर्म दिया है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ये जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × 0, और जो है इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे 3y का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब तीनों संख्या का योग आ चुका है तो औसत बराबर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर डिवाइड बाई दी कुल संख्या, तो 3 संख्या थी, योग कितना है 9y² / 3। तो औसत जो है हमारा यहाँ से आ जाएगा 3y², ये हमारी तीनों संख्या का औसत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो ए इंटू बी की वैल्यू दिया है 12, और ए बी जो है वो 0 से बड़ा है, तो ए बी का औसत पूछा है। तो देखिए ए बी का औसत मतलब एक दोनों संख्याओं का योग पहले निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू यहाँ दिया है 25, तो 25 पुट कर दिए, इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे 12, तो 12 रख दिए, 25 + 24 = 49, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको इस साइड ले लेंगे तो कड़ी में चला जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-7, लेकिन हम लोग ले लेंगे यहाँ से 7। अब देखिए आगे क्या करेंगे, औसत पूछा है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल कितनी संख्या थी 2, तो ये हो जाएगा 3.5%, 3.5% नहीं 3.5 हो जाएगा, मतलब कि 2, 3, 6, 1, 7, ये हमारा आ जाएगा औसत। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है कि एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर का औसत बताइए, तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल कितनी संख्या प्रयोग हुई है। तो हम लोग पहले योग निकालेंगे, तो योग बराबर यहाँ देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग मान लो दिया है यहाँ पे निकालना है हम लोग को है, तो n/6 × (n+1) सेकेंड ब्रैकेट में 2n+1, तो दूसरा हो जाएगा तो 2n मतलब कि 8 × 2 = 16, 1 = 17, इसको कैंसिल आउट करते हैं
ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 3 का 9, ये हो जाएगा 17 51। इसको मल्टीप्लाई किए तो 4 1 कम 4, 4 5 20। अब तुम्हारा योग आ चुका है, तो औसत बराबर सभी संख्याओं को योग बटे कुल संख्याएं। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 1 2, ये हो जाएगा 25.5। इसका जो है एवरेज आ गया यहाँ पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है, 73 सही 15 बटे 41, 72 सही 17 बटे 41, 74 सही 9 बटे 41 का औसत बताना है हम लोग को। तो सॉल्यूशन करेंगे, 73 पहले यो निकालिए, 73 ए बटे 41 प्लस 72 प्लस 74 सही 9 बटे 41। इसका योग निकालना है तो पहले जो आगे वाला इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, पहले 74 सेकेंड ब्रैकेट में 15 बटे 41 प्लस 17 बटे 41 प्लस 9 बटे 41, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। ये मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस है, प्लस दिया तो प्लस रहेगा यहाँ पे, ये प्लस है। तो आगे जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 214 प्लस ये हो जाएगा 41 बटे 41। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 219 है, 14 नहीं 219, 19 प्लस 1 बराबर 220। ये तो हमारा योग हो गया। अब औसत निकालना है, औसत बराबर 220 बटे, कुल कितनी संख्या थी, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दिए तो हमारे यहाँ 73 सही 1 बटे 3, ये हमारा हो जाएगा औसत।